ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश में 5,21,000 परिवारों को अपने घर का सपना उनका पूरा हुआ है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इन लोगों के सामने रूबरू हुए। हालांकि वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से संवाद किया और इन सभी लोगों को इनके आशियाने सौंपे। हालांकि आपको बता दें कि दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम में भाग लिया लोगों ने, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के लिए पूरे मध्य प्रदेश में पारंपरिक उत्सव भी आयोजित हुआ। हालांकि देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है और ये इस दिशा में एक और कदम है। इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश में नए घरों में शंख, दीप, फूल और रंगोली समेत पारंपरिक उत्सव भी आयोजित किया गया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के 5,21,000 ऐसे हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिला। हमारे सरोवर बनाए जाएं, और चूंकि आज़ादी का ये 75वां वर्ष चल रहा है तो हर ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनेंगे एक साल के अंदर में। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज आह्वान किया है। मैं सभी पात्र हितग्राहियों को जिनका गृह प्रवेश हुआ उनको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे मध्य प्रदेश में 5,21,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश संपन्न हुआ है। उसी तारतम्य में आज अमरवाड़ा क्षेत्र में भी गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हर गाँव में जनपद पंचायत स्तर में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया और हर गाँव में ये गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए मैं गृह प्रवेश के हितग्राहियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और छतरपुर गृह प्रवेशम कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कदारी गांव में पंचू ब्रह के घर पहुंचे और जहां उन्होंने भोजन भी किया, पंचू की बेटी को आशीर्वाद भी दिया। मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी मौजूद रहे। तो कदारी गांव में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। वहीं शिवराज सिंह चौहान जिस घर में भोजन कर रहे थे उस घर के अलावा आसपास के कई घरों की छतों पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचू की बेटी भारती रजक की शादी का निमंत्रण भी स्वीकार किया है। वहीं भारती ने बताया कि 27 अप्रैल को उसकी शादी है जिसका निमंत्रण उसने शिवराज मामा को भी दिया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। यहाँ आके मैं बहुत कदारी आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ग्रामवासियों से सबसे भेंट होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का तो पूरा विवरण वहाँ आ ही गया। आज 5,00,000 इस साल हमने 5,21,000 मकान कंप्लीट किए थे। आज प्रधानमंत्री जी के हमारा सौभाग्य, उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वचन मिला और उनके शुभ हाथों से मकानों का लोकार्पण गृह प्रवेश हुआ। सर, आपने बच्चों का गान भी सुना है और भोजन भी कराया। ये मेरी भांजियाँ हैं और मैं उनके बीच में आके काफ़ी प्रसन्न हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा भोजन कराया, उन्होंने गीत भी सुनाए। मेरी भांजियाँ हमेशा खुशी रहें, खूब आगे बढ़ें, उनकी पढ़ाई लिखाई बाकी सब चीज़ों की ठीक से चिंता हो, ये प्रयत्न हम कर ही रहे, वो सब प्रसन्न रहें। और वह छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में किया गया। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के 5,21,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, चाहे वो कितना भी पहुंच वाला हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि आगे आने वाले समय में आवास योजना के से वंचित लोगों को आवास देने का काम भी किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 की जगह 55,000 की राशि दी जाएगी जिससे गरीब कन्याओं का विवाह धूमधाम के साथ किया जा सके। वहीं कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग योजना से वंचित रह गए हैं उनको भी लाभ दिलाने का काम आगामी दिनों में किया जाएगा। इस अवसर पर छतरपुर जिले के 8 विकास खंड से आए हजारों हितग्राही मौजूद रहे।
और वहीं देवास पुलिस गुंडों और अपराध के खिलाफ सख्त हो गई है। कुछ दिन पहले ही पुलिस और प्रशासन की अहम बैठक एसपी कार्यालय में हुई थी, जिसमें गुंडा तत्व और भूमाफिया के साथ ही अपराध की कमर तोड़ने के लिए प्लानिंग बनाई गई थी। हालांकि अपराध पर सख्ती बरतने को लेकर प्लान भी तैयार किया गया था, जिसके तहत मल्हार रोड पर स्थित एक अपराधी के मकान को जेसीबी से जमींदोज किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। सीएसपी विवेक सिंह समेत टीआई और अन्य बल भी मौजूद था। सीएसपी सिंह ने बताया है कि आरोपी कुणाल बैरागी पर 14 मामले पहले से ही दर्ज हैं। हत्या के प्रयास समेत अन्य मामले भी शामिल हैं इसमें, और कुछ दिन पहले ही शहर में शिबा होटल के पास फायरिंग में भी कुणाल शामिल था। बैरागी इसके विरुद्ध 14 विभिन्न धाराओं में मारपीट, SST एक्ट और हत्या का प्रयास जैसे अपराध दर्ज हैं। और इनके अलावा रिसेंटली जो है शिवा होटल के पास में एवी रोड पर जो है सार्वजनिक रूप से फायर करके कुछ लोगों को मारने का प्रयास किया गया था। और ऐसे जो अपराधी तत्व हैं वो सभी के विरुद्ध जो है पुलिस ने अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ जो भी जो बदमाश होंगे, तो जो भी प्रोविडेंट एक्शन होंगे और जो भी उसमें होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिंगरौली के सराय क्षेत्र के पिपरखाड़ में पटवारी को रीवा लोकायुक्त टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पटवारी अनुभव त्रिपाठी ने रजिस्ट्री नामांतरण के लिए 56,000 रुपए मांगे थे, जिसके बाद जितेंद्र कुमार तिवारी ने लोकायुक्त में रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी को आज पीपर खाड़ा जो हल्का है वहाँ पर 15,000 रुपये की रिश्वत के लिए ट्रैप किए गए। फरियादी जितेंद्र कुमार तिवारी द्वारा शिकायत की गई थी कि 28 जमीनों के नामांतरण के लिए उन्हें 2,000 रुपये के हिसाब से 56,000 रुपये मांग की गई, लेकिन बीच में फिर वो बात करते करते मामला 50,000 में डन हुआ था, तो आज 15,000 रुपये की किस्त लेकर उनको ट्रैप किया गया। सर, लगातार इस तरह से लोगों की घटनाएं घट रही, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में लोकायुक्त संगठन काम कर रहा है। अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोग काफी जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार से बचें और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और वहीं मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में निर्माणाधीन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के पास देश का सबसे बड़ा 3,700 किलो का महाघंटा रविवार को स्थापित किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वजन वाला घंटा हो सकता है। प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ माताजी मंदिर में 1,635 किलो का घंटा स्थापित है। रविवार को सहस्त्र शिवलिंग मंदिर परिसर महाघंटा की स्थापना की गई और महाघंटे के लिए साल 2017 में अभियान चलाया गया था। श्री कृष्ण धेनु संस्था ने जिले में 150 यात्राओं के माध्यम से मंदसौर शहर और ग्रामीण इलाकों से तांबा पीतल जैसी धातुएं इकट्ठा कर इसका निर्माण किया है। भक्तों ने भी अपने घरों में पड़े पुराने धातुओं से बने बर्तन महाघंटा निर्माण के लिए दान में दिए और महाघंटे का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद में करवाया गया है। महाघंटे के बाहरी किनारे पर भगवान पशुपतिनाथ की आकृतियां बनाई गई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों महाघंटे का उद्घाटन किया जाएगा और इसी दिन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी मुख्यमंत्री के हाथों से की जाएगी। महाघंटा अभियान को समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने घर घर जाकर जो तांबे पीतल की जो व्यवस्था की, हर घर हर श्रद्धालु ने दी, हर अपनी तरफ से जो उनसे बन सका वो सब ने प्रयास से, हर आदमी ने किसी ने पीतल दिया, किसी ने तांबा दिया और आज ये महाघंटा जो है कंप्लीट होकर, हमने इसको 2 साल तक तो इसको ट्राली पर रख रखा था और ट्राली पर रखने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैंने कलेक्टर साहब से बात करी कि इसको स्थापना करना है, तो स्थापना के लिए हमारे विधायक जी ने और ये जगह चुनी और ये जगह चुनने के बाद में उनने जवाबदारी मेरे को दी, नारू भाई ये आप जानो क्या, और मेरी मंदसौर की जनता को इतना विश्वास है मुझ पर कि नारू भाई जो कार्य करेंगे वो अच्छा करेंगे। ये एक घंटा समिति थी, मेरी पदस्थापना के पहले का घटनाक्रम है, जिसमें उन्होंने बड़ी श्रद्धा से गाँव घूम के लगभग 40 क्विंटल के आसपास पीतल और तांबा एकत्रित किया था और करीब 2 साल पहले ये घंटे का निर्माण हो गया था। घंटे की स्थापना पेंडिंग थी तो कल जो है घंटे को हमने बहुत ही एक जैसे होता है कि जो सबसे अच्छा स्थल है उसको चुन के वहाँ स्थापित कर दिया।
और मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 मामले में जांच के आदेश जारी हो गए हैं और मामले में जांच मैप आईटी के सहयोग से होगी। आपको बता दें कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और अभ्यर्थियों ने कल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात भी की थी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रिजल्ट सिर्फ एक बार ही आया है। जो रिजल्ट आया है वो बहुत स्पष्ट है, पहले और बाद की बात ना करें। अगर किसी ने इस तरह का कूट रचित किया है या फिर चालबाजी की है, ये कूट रचित ही होगा क्योंकि रिजल्ट एक बार जारी हुआ है। इस विषय में बच्चे मुझसे भी मिले थे, मैंने उसी समय कर्मचारी चयन बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी उनसे बात भी की थी और मैप आईटी के सहयोग से जांच के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।